शिवपुरी कॉलोनी चास थाना निवासी प्रकाश कुमार सिन्हा उर्फ पापे जो एयरटेल पेमेंट बुक का कलेक्शन का 10,58,010 रुपए को एक नीले रंग के बैग में रखकर जा रहे थे। इसी दौरान जोधा डी मून मछली बाजार के सामने रोड पर वादी टेम्पू से टकरा कर गिर गए, जिससे मोटरसाइकिल के हैंडल में रखा हुआ बैग गिर गया तथा वादी उठकर कुछ दूर आगे चले गए तो देखे कि रुपए से भरा हुआ बैग नहीं है, जिसकी खोजबीन करने पर पैसा नहीं मिला। किसी के द्वारा रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया गया। इस कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एवं एसडीपीओ चास पुरुषोत्तम कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की गई। पुलिस अधीक्षक की तकनीकी शाखा से भी सहायता ली गई। अनुसंधान के क्रम में संगीता देवी पति किरीटी महतो पता ग्राम अंगरतेलिया वर्धमान में मधुनिया स्वर्गीय मंगल महतो थाना सियालजोरी के घर से 3,81,000 रुपया एवं नकुल महतो एवं उनकी पत्नी पिंकी देवी कॉलोनी चास के पास से 2,07,590 रुपया बरामद हुआ तथा नकुल महतो एवं पिंकी देवी के द्वारा चोरी के रुपए में से 4,40,000 रुपया इंडियन बैंक चास में जमा कर दिया गया, जिसे पुलिस के द्वारा फिश करा दिया गया है। यह उक्त बातें चास थाना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चास डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा। एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि नगद 5,88,890 रुपए एवं इंडियन बैंक में जमा 4,40,000 रुपए कुल 10,28,890 रुपए तथा कांड में प्रयुक्त हीरो होंडा सीडी डिलेक्स मोटरसाइकिल संख्या 3110N39083 वादी का नीला काला रंग का अमेरिकन टूरिस्टर बैग तथा गुलाबी रंग का लेडीज पर्स बरामद किया गया। छापेमारी दल के सदस्य मोहम्मद रुस्तम पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास अजय उपाध्याय थाना प्रभारी चास अंकित पांडे थाना प्रभारी पिंडराजोरा अंकित राज अशोक सिंह रंजीत कुमार राजकमल ताराचंद पासवान आदि कुमार शामिल थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। दिनांक 31/8/2022 को शाम करीब 6:15 के आसपास एक व्यक्ति एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसा लेकर आ रहे थे। उनके पास कुल राशि जो है 10,58,000 रुपये थी। आने के क्रम में उनका बाइक जो है वो आंशिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनका बैग जो है पैसे से भरा बैग गिर गया और इसी बीच वो संभलते और अपने आप को काबू में कर रहे थे, उसी बीच उनका बैग जो है कुछ व्यक्ति उठा करके ले गए वहाँ से। बाद में पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में इसमें जो कुल राशि है 10,58,000 रुपये में से 10,28,000 रुपये को बरामद कर लिया है, जिसमें 5,88,890 रुपये नकद है और शेष जो है इन लोगों ने 4,40,000 रुपये का FD इंडियन बैंक में कराया था, जिसको पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। अब न्यायालय के आदेश के बाद उसको आगे रिलीज कराया जाएगा। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है और जो बैग था वो सारा चीज़ बरामद कर लिया गया है और इसमें कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नकुल चंद्र महतो और पिंकी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं लोग ये लोग और सर कैसे ये काम किए? दोनों रहने वाले चास क्षेत्र के ही हैं और इन लोग बेसिकली वहाँ से गुजर रहे थे, उस वक्त इनको ये बैग वहाँ पर मिला और ये लोग बैग को उठा लिए। उठाने के बाद इन्होंने ये भी देखा कि इसमें पैसा है पर इनकी मंशा गलत थी, इसको बैग को ले गए और ले जाने के बाद फिर उस पैसे से आधे पैसे का उन्होंने FD कराया, शेष पैसा उन्होंने अपने पास रखा। दो लोग को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, इसमें FD की जो बात आ रही है तो इसको लेके भी कुछ करने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, FD उसको फ्रीज करा दिया गया उस अकाउंट को और उससे जो पैसा रिलीज होगा वो पीड़ित को फिर उसमें प्राप्त होगा।